उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को महेवा स्थित कान्हा उपवन का निरीक्षण किया तथा गायों को गुड़ केला चना खिलाकर आशीर्वाद लिया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि कान्हा उपवन में जो काम हुआ है वह काफी सराहनीय है। यहां पर कंपोस्ट खाद बनाने तथा गोबर गैस प्लांट अच्छा चल रहा है। इस प्रकार की योजना को पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि कान्हा उपवन में गायों और नंदी देवताओं को ठीक से रखा गया है। और वहीं नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कान्हा उपवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नंदी को उन्होंने चना गुड़ केला खिलाया और कान्हा उपवन की व्यवस्था को उन्होंने उत्तम बताया। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल CP सिंह सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह एवं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, पूछ के बताओ पूछ के फोन कर आगे चलो भाई, हटाते चलो। ये हम लोग संपवेल बनवा रहे हैं। क्या बनवा रहे हैं? संपवेल सर, पूरा पानी यहाँ कलेक्ट करते हैं, इसको बाहर लाने में करते हैं। अच्छा, ये मतलब जो पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है सर, यहाँ वाटर लॉगिंग एरिया है ना, पूरा लोलैंड है। लोलैंड इसको आपने मतलब थोड़ा नीचे बनाया होगा? हाँ सर, थोड़ा सा नीचे सर, थोड़ा नीचे बना के बड़े बड़े पंप लगवा के हम पूरे पानी को तुरंत सक कर लेंगे। फिर इसमें पंप लगाएंगे? पंप लगा और कोई तरीका नहीं, लैंड फिल से जाता नहीं, लैंड फिलिंग से नहीं जाता। किनारे आ जाओ, बस किनारे आ जाओ यार। क्या है कि सड़क है ऊपर, पूरा पानी इधर से ही ला दी देता था पहले, आज के 30 साल पहले से सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। ये भी अभी हमने जो 30 फीट देखा है सर, वो हमारा वर्मी कंप्लीट है। कितने दिन चढ़ाते हैं सर? भाई पांडे जी आगे आइए। कितने दिन सड़ाते हैं यहाँ पर? बस तीन महीने में। 3 महीने बाद अंकल बात करें हमारा पावर ग्राम मीटर पर सर 45 रुपये मीटर पर बिक जाता है। और वर्मी कम्पोस्ट अलग कर दिया था, वो अलग जाता होगा ये गमले वाले घर प्लान के लिए लोग ले जाए। मलवा दे पहले से चालू कराओ का है। ये 10 KVA का है जी। तो आप अगर मान लीजिए बायोगैस नहीं है तो फिर डीजल का टैंक होगा इसमें? नहीं सर, डीजल नहीं है, हम इसको LPG से चलाते हैं। LPG का है? जी। LPG का कनेक्शन कहाँ पर किया आपने? सर ये तो इसको यहाँ पे लगाए जहाँ पे नोजल, जहाँ फायर होता है। हाँ हाँ सर, ये पूरा आपका पिस्टन इसी से एक्सपेंड होगा और फिर दोबारा वापस आएगा, फिर एक्सपेंड होगा उसी गैस के थ्रू। वही सर वही कह रहा है, वही मैं कह रहा हूँ। मतलब पंप पे लगाया ना, हेड पे जहाँ से माजी लगता है सर,
जहाँ नोजल लगता है वहीं पर डीजल का विकल्प नहीं है गैस का? नहीं सर, तो ये किट ही आपने एलपीजी वाली किट लगा ली है? जैसे हमारी जो गाड़ियाँ आती है स्टार्ट भी इसी से हो जाता है? इसी से। अच्छा, और ये कितना गैस बना लेते हैं सर? हम लोग का जो गैस है सर, अब उसको नापा तो नहीं है, लेकिन मीटर की जैसे हमारी कितने घंटा जनरेटर चलेगा? अब मैं सर इसको 4 घंटे लगातार चला सकता हूँ सर उसमें। एक चारा वाला बनाया होगा, एक जो है सफाई वाला, दो तरीके से करते होंगे ना? पंडित जी एक का चारा दे दिया ना, एक का चारा दे दिया सर, उन्होंने धरी थे और आराम से कर रखा है, आराम से कर रखा है। गुड़ वाला किधर गया? अच्छा, क्या भर लिया? लेकिन सबके पास जगह नहीं ना? पर इसको हम लोग सर बाहर भी भेजने के लिए सर एक साथ हम लोग सर सर आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय बृजेश पाठक जी का कानपुर के जो ये कान्हा गौशाला है गोरखपुर की, वहाँ पर आकर उन्होंने इसका निरीक्षण किया। वो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले उन्होंने जो हमारे नंदी हैं उनकी बाड़े को पूरा घूम कर देखा। नंदी को उन्होंने चना, गुड़, केला आदि खिलाया। उसके पश्चात उन्होंने जो हमारा गोबर गैस प्लांट है उसको बहुत, उसकी जितनी भी मतलब कह लीजिए मैकेनिज्म है उसको बहुत डिटेल में जाकर काफ़ी समय देते हुए उसको अच्छी तरह समझा। उसके बाद उन्होंने जो हमारी गौवंश की माताएं हैं उनके बाड़े में गए, वहां पर जाकर पूरा निरीक्षण किया। और तत्पश्चात वो जो हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट जो बन रहा है प्लस जो हमारे यहाँ गौवंश का जो गोबर हो रहा है उसकी जो हम लोग बिक्री कर रहे हैं और जो संजीवनी के नाम से हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट को मार्केट में सेल कर रहे हैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल में उन्होंने जाना समझा। और उन्होंने सब मिलाकर जो यहाँ की जो व्यवस्था है उसको बहुत ही उत्तम कोटि की बताया। इसके पूर्व जो है माननीय उप मुख्यमंत्री जी नगर निगम के जो नवीन कार्यालय भवन है उसमें जाकर उन्होंने ITMS और जो हमारा इंटीग्रेटेड म्यूनसिपल जो सर्विसेज सिस्टम है उसका और साथ साथ जो है हमारा डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसका भी बहुत बारीकी से निरीक्षण किया, कर्मचारियों से बात किया और उनके मनोबल एवं उत्साह वर्धन किया। तो जहां दो जहां गए थे माननीय जी पूरी तरह से संतुष्ट रहे और निश्चित रूप से उनके यहां पर इस प्रकार जो विजिट हुई है उससे भी नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, उनका उत्साह वर्धन हुआ है और इसके लिए हम माननीय जी के आभारी हैं। हुआ है और इस जो यहाँ पर काम हुआ है कंपोस्ट खाद बनाने का और गोबर गैस प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसको पूरे प्रदेश में इस प्रकार की योजना को हम लोग लागू करना चाहेंगे। अभी क्या यहाँ पर गायों को ठीक से रखा जा रहा है और सबसे खास बात यह है कि जो गाय हैं और जो हमारे नंदी देवता हैं उनको अलग अलग रख के उनको ठीक से व्यवस्थित किया जा रहा है और गोबर का उपयोग किस प्रकार हम अपने दैनिक उपयोग में ला सकते हैं उसको कंपोस्ट खाद बनाया है और एक प्लांट इन्होंने लगा रखा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी
के नेतृत्व में। वाराणसी से आदरणीय मुख्यमंत्री जी शामिल हुए हैं और पूरे प्रदेश की जनता को बहुत अच्छा लाभ मिल सकेगा और खासकर बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको स्पीड का लाभ मिल सकेगा। बहुत देर तक किसी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा और आप लोगों को मीडिया जगत को बहुत लाभ होने वाला है। मैं कह सकता हूँ कि ये संचार की क्रांति है। 2024 में हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और जो नीतीश और राहुल गांधी कोई मतलब नहीं है, ये डिरेल्ड लोग हैं। आप छोड़